इसके बाबा का नाम क्या है? है? मेरे बाबा का नाम सित्तू है और मैं निम्रत बुआ की नहीं इनकी बेटी हूँ। हाँ, माँ तो हमारी दीदी को बेचने वाली थी, इसलिए वो घर से भाग गई। परसाई जी, अरे कैसी औरत है आप? है, अरे कोई बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आपने मुझसे झूठ बोला। कहाँ है वो बच्ची? कहाँ है निम्रत की बेटी? चोर! अरे देखो जी, देखो जी, और जी देखो जी, देखो अब हमारे घर में चोर घुसा है। आपके लिए जरा प्रति देख लियो, जल्दी आओ, देखो जी, देखो, देखो, ये देखो। क्या हुआ नियालू जी? और देखो जी प्राची, ये आदमी ना मेरे बच्चे चुरा के भाग रहा था। ओ जी, झूठ 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 बोल रही है। वही खोदिया, खबरदार जो इसे हाथ लगाया। मैंने इनको पैसे दिए, झूठ बोल रही है। हाय रब्बा, देखो ना प्राची, एक तो मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए, ऊपर से ऐसे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं मेरा फायदा उठाने के लिए। प्राची, मैं किस किस से लड़ू और कैसे बताऊ मैं अपने बच्चों को? चिंता ना कर नियालो, इसे तो हम देख लेंगे। राजीव, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो। राजीव शांत हो जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। निकल जाए यहाँ से, दोबारा दिखना मत गांव में। जी प्राजी, आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हिम्मत अदा करो वो मददगार मौला। अब की हुकूमत परवरदिगार मौला, ये मौला ओ शाही मर्दाश रज़दा जा फिदा तुम पे मौला। भगवान, मैं जानती हूँ जो मैं कर रही हूँ वो सेल्फिश है, पर है तो अपनी बेटी के लिए ही ना। प्लीज प्लीज, आप महेंद्र भाई साहब को उस लड़की से मत मिलने दीजिएगा। अगर ऐसा हो गया तो मैं मंदिर जाके 11,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। सब तेरे हाथ है रब्बा, मेरा भाई बहुत परेशान है, मुझे कोई रास्ता दिखा दे कि मैं उसकी मदद कर पाऊं। हिम्मत अदा करो वो मददगार मौला। मेरे रब्बा, मैं जानता हूँ मैंने निम्रत के साथ बहुत गलत किया है, पर मेरी गलती की सजा उस बच्ची को मत दो। अगर वो मेरी बेटी है तो
तो मुझे उससे मिलवा दो, उससे मिलवा दो रब जी। हिम्मत अदा करो वो मदद जज्बात क्या है मौला, हालात क्या है मौला, कैसा तेरे इसके सारे वार है। हो हर सांस ख्वाहिश सिले, साजिश है कुछ है गिले, ये मुश्किलातें बेशुमार है। जाफ़िदा तुम पे मौला, मौला मौला। वीरे क्या हुआ? मैं तुझे क्या दूं बच्चे, तेरा मुकाम तो मुझसे बहुत ऊंचा है। मैं तो बस तेरे हुनर को झुक के सलाम कर सकता हूं। बस ऊपर वाले से तेरे लिए एक दुआ जरूर करूंगा कि तुझे जो भी चाहिए वो तेरे को जरूर मिले। शुक्रिया। अब मुझे पता चला तेरी आवाज में वो सच्चाई, वो दर्द कैसे लौटा। मैंने अमारा का कॉन्सर्ट सुना था और आज इस बच्चे का गाना भी। अब इजाजत चाहूंगा। Thank you.
मैं जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा, मौसी की इबादत है सिकंदर, और जो सच्चे दिल से इसकी इबादत करता है खुदा उसी को मिलता है जिसका हक है, और उसी को मिलना चाहिए। मुझे यकीन है तुम सच का साथ दोगे। मुझे तो यह भी नहीं पता कि तेरी कौन सी बात बिगड़ी है, लेकिन एक बात जरूर बता सकता हूं, वो जो रब है ना, वो हर बिगड़ी बात को संवार देता है। और अगर रब ने बात बिगाड़ी हो तो उसे कौन संवारेगा पाजी? रब ने मेरी बहन मुझसे छीन ली, जब तक निमरत जिंदा सी ना पाजी, सब कुछ बहुत चंगा सी। निमृत? हाँ, मेरी बहन पाजी, उस बिचारी ने भी बड़ा दुख देखा जब वो पेट से थी ना भाजी, तो उसका पति उसको छोड़कर चला गया, और उसके बाद मेरी बीबी ने उसका और उसकी छोटी सी बच्ची का जीना हराम कर दिया। मतलब जब सिक्का निमृत को छोड़ के गया तब वो मां बनने वाली थी, यानी बच्चा सिक्के का हो सकता है। तुम्हारी बीवी ने? छोड़ो ना पाजी, दूसरे की जिंदगी से तुहानू की लेना देना। ओए वीरे, कभी कभी पहचान ना हो ना तो दर्द बांटना अच्छा होता है। कह दे जो तेरे मन में है। पाजी, ओ मेरी बीबी, ओ मेरी बीबी नहीं, दुश्मन है मेरी। और तुसी किसी नू भी जाके पूछ लो पिंड में, सब बता देंगे वो कैसी औरत है, कितनी बुरी औरत है वो, सब जानते हैं। ऐथे कुएं दे कोल है मेरा घर, मेरी भांजी को बेचने चली थी, ताई मैं सोचा मैं उसको इस शहर से भगा के मुंबई उसके पापा के पास ले जाऊंगा। उसके पापा का नाम क्या है? बहुत वड्डा नाम है पाजी, मुंबई च बहुत वड्डा गायक है। रब ने उन्नू कोठी, पैसा, गड्डी सब दिता, पर दिल देना भूल गया। पाजी, मेरी निमृत नाल झूठे वादे करके उत्थे जाके दूसरी कुड़ी नाल व्याह कर लेता, उसकी दूसरी शादी से उसको एक बच्ची भी। नाम क्या है? नहीं पाजी, उसका नाम लूंगा ना तो मेरी निमृत की आत्मा को बहुत दुख होगा। वो बेचारी तो मरते दम तक कुल्फी को बोलती थी कि कुल्फी, मैं तेरी माँ हूं और मैं तेरा पापा। कुल्फी? हाँ बच्ची, मेरी बहन की बेटी, मेरी बच्ची, मेरी कुल्फी। ईद मुबारक माँ, पहला त्योहार है जो मैंने तेरे बिना बनाया है। त्योहार है, खुशी तो होनी चाहिए ना, पर मुझे एक एक अब खालीपन सा लग रहा है। हाँ जी, पर आपको कैसे पता?
तूने तो कहा था कि जब किसी से दिल मिल जाता है तो उसका दर्द अपने आप दिख जाता है। और मेरा दिल ना तेरे सामने तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। मैं तो अपने दर्द से बाहर ही नहीं आ पाता। सच कहूं तो जब मुझे बहुत खुशी होती है ना तो मुझ में वो खुशी खोखली सी लगती है। ऐसा लगता जैसे कुछ याद है और वो कभी पूरा नहीं होगा। हम फिर से दुखी हो जाते हैं। मैं तो इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। पर आप दुखी क्यों? आपको भी किसी की याद आ रही है? जब माँ मेरे साथ थी तब हर खुशी हर दुख पूरा लगता था। जिन्हें आप याद करते हो क्या आप उनके साथ बहुत खुश थे? हाँ पुत्र। तो फिर वो पूरी वाली खुशी को याद कर कर खुशी खुशी दुखी हुई है ना? दुखी 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 नहीं। इस उम्र में इतना सब कुछ कैसे सीख लिया? इतनी अच्छी अच्छी बातें करना। पता नहीं पर शायद दुखी होते होते मैं अब आ गया। कुल्फी लड़की है? जी पाजी, वो ना थोड़ा अलग है, पता ही नहीं चलता कुड़ी है कि मुंडा। जद मेरी पाजी छोटी सी ना पाजी, उन्हें कुल्फी बहुत पसंद सी थे। निमरत ने उधर ना ही कुल्फी रख दिता। एक बारी मैंने भी कुल्फी को कहा कि कुल्फी मैं तेरा नाम बदल देता हूँ। मानी नहीं पाजी, मानी नहीं। कुल्फी अभी कहाँ है? पता नहीं पाजी, ट्रेन में बिठाया और उसके बाद में खुद ही वो ट्रेन नहीं पकड़ पाई। मुंबई भी गया सी उसको ढूंढने के लिए। बहुत ढूंढा पाजी, कितनी भी नहीं मिली। मैनु लग्या कि मैं उसके बाप को जाके कुल्फी के बारे में बताऊंगा कि वो उसकी बेटी है तो वो उसे ढूंढने में मेरी मदद करेगा। पाजी होते उसकी दूसरी बीवी और बच्ची को देखा तो दिल टूट गया। अब मैं उसे कभी भी नहीं बताऊंगा कि उसकी एक और बेटी भी है। कभी नहीं। तुम्हारे पास कुल्फी की कोई तस्वीर है? मेरा मतलब शायद मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं पाजी, तस्वीर होंदी थे मुंबई में उसे ढूंढने में आसानी होती। मैंने उसे बहुत ढूंढा पाजी, बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। सिकंदर जी, मैं आपको अपनी माँ से मिलाऊं? सिकंदर जी, वो मेरी माँ है। माँ, ये सिकंदर जी है। तो बहुत सुंदर है कुल्फी। कुल्फी को पता है कि उसके बाबा कौन है? शायद हो सकता है वो ऐसे ढूंढते ढूंढते उनके पास अपने आप पहुंच गई हो। नहीं पाजी, मैंने और निमरत ने कुल्फी नु कदी भी नहीं बताया कि उसके पापा का ना की। हाँ, कुल्फी नु इन्ना जरूर पता कि उदे बाबा मुंबई च बहुत वड्डे गायक है। तुहानू पता है पाजी, कुल्फी खुद इन्ना चंगा गांदी है ना, उदी आवाज, वो आवाज नहीं जादू है, सीधा दिल ते असर करदी है। एक कुल्फी हमारे घर में भी है मगर वो लड़का है, जगीरा का नाम थी। लेकिन जो नाम पहले कभी सुना नहीं, एकदम से उस नाम के दो बच्चे कैसे हो सकते हैं? और दोनों ही सिक्के से जुड़े हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किस्मत कुल्फी को अपने बाबा के पास ले आई हो, बस उसे अभी तक ये बात पता नहीं चली हो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।